हेलो एंड वेलकम अगेन। सो कल TF एग्ज़ाम में एक प्रॉब्लम आया था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ जेड एंड टी वॉज गिवन एज ई नॉट साइन ऑफ के जेड मल्टीप्लाइड बाई आई कैप कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस जे कैप कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। एंड हमको ये बताना था वेदर दिस फंक्शन रिप्रेजेंट्स सर्कुलर पोलराइज स्टैंडिंग वेव और सर्कुलर पोलराइज ट्रैवलिंग वेव और पोलराइज्ड स्टैंडिंग वेव और पोलराइज्ड ट्रैवलिंग वेव। ओके, सो बस ये बताना था कि ये कौन सा वेव रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं ये बताऊंगा कि जनरल फंक्शनल फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव क्या होता है। सो ट्रैवलिंग वेव so whenever you find any function which has a functional dependence on z minus vt, or in electrodynamics we usually write this dependence as f of k z minus omega t. so jab bhi koi function tumhare paas depend karegi is tarah ki combination par, ओके, देन वी आर श्योर कि वो वाला फंक्शन एक ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एंड स्टैंडिंग वेव का क्या का केस क्या है। स्टैंडिंग वेव, सो स्टैंडिंग वेव जो हमने पहले ही पढ़ा है उसमें ये होता है कि जो फंक्शनल फॉर्म होता है वो इस तरह का कुछ होता है, साइन ऑफ के जेड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ओमेगा टी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कॉस ऑफ के जेड आएगा मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी, या कॉस ऑफ के जेड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ओमेगा टी, या एक और फॉर्म हो सकता है साइन ऑफ के जेड साइन ऑफ ओमेगा टी। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ स्टैंडिंग वेव। सो यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि स्टैंडिंग वेव में हमेशा स्पेशल पार्ट अलग होता है एंड टेम्पोरल पार्ट अलग होता है। ओके, एंड ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है, इसमें जो डिपेंडेंस होती है वो इस तरह के कॉम्बिनेशन पे होती है। ओके, के जेड माइनस ओमेगा टी, सो एनी फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन दिस कॉम्बिनेशन के जेड माइनस ओमेगा टी या जेड माइनस ओमेगा टी, तो हम कह सकते हैं कि वो वाला फंक्शन ट्रैवलिंग वेव है। और जब अलग अलग डिपेंडेंस हो साइन ऑफ के जेड साइन ऑफ ओमेगा टी, तब हम कह सकते हैं वो स्टैंडिंग वेव है। ओके, सो अगर हम अपनी फंक्शन को देखेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टैंडिंग स्पेशल पार्ट अलग है और टेम्पोरल पार्ट अलग है, तो वी आर श्योर कि ये एक स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, नाउ दिस इज़ वन मेथड, बट यहाँ पर एक ये भी कह सकते हैं कि हम इसको एक वी कैन रिप्रेजेंट दिस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ सम फंक्शन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी, हाँ लिख सकते हैं, बट उसके लिए यू हैव टू ऐड सम एडिशनल टर्म्स। ओके, सो विदाउट एडिंग सम एडिशनल टर्म्स वी कांट राइट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ function of kz minus omega t. okay, so it means this is a standing wave. so ek aur method hai jisse hum ye dekh sakte hain ki whether it represents a standing wave or not. to uske liye humko kya chahiye, humko ye dekhna padega ki nodes kahan par hai, whether nodes are forming or not. so nodes mein kya hota hai ki ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर फंक्शन का वैल्यू ज़ीरो होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम। ओके, सो अगर हम देखेंगे हमारी इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन, सो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा साइन ऑफ के जेड के अगर मैं ज़ीरोज़ निकालूँगा, साइन ऑफ के जेड के ज़ीरोज़, सो आई विल गेट के जेड इक्वल्स टू एन पाई। ओके, प्लस या माइनस एन पाई भी लिख सकते हैं, सो जेड विल बी इक्वल्स टू एन पाई बाई के। सो इट मीन्स एट दीज पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़ीरो रहेगा हमेशा इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम। ओके, सो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़ीरो रहेगा एट दीज पॉइंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम।
सो दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स अ स्टैंडिंग वेव. सो सपोज जेड इक्वल्स जीरो, जेड इक्वल्स टू पाई बाई के, जेड इक्वल्स टू टू पाई बाई के. सो दीज विल बी द नोडल पॉइंट्स. सो इस तरह का कुछ स्टैंडिंग वेव बनेगा. इस तरह का कुछ स्टैंडिंग वेव बनेगा. ओके, सो रिमेंबर स्टैंडिंग वेव्स में हमेशा हमारे पास नोड्स होते हैं, नोड्स और एंटी नोड. सो दीज विल बी आवर नोडल पॉइंट्स. ओके, एंड यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि बिकॉज देयर आर आई कैप एंड जे कैप, सो दैट मीन्स दिस इज अ स्टैंडिंग वेव इन टू डायमेंशंस. ओके, सो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि ये इस तरह का कुछ होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरह का कुछ. सो दिस विल बी अ स्टैंडिंग वेव लाइक दिस. सो दिस विल बी अ स्टैंडिंग वेव समथिंग लाइक दिस. ओके, अब मुझे ये बताना है कि whether this standing wave is a circularly polarized or it is simply polarized. Okay, तब उसके लिए क्या कर लूँगा मैं. अब तो मैंने स्पेशल डिपेंडेंस देख लिया. ओके, अब मैं देखूँगा सिर्फ इसका टेम्पोरल डिपेंडेंस, क्योंकि कोई भी वेव अगर मुझे बतानी है कि ये पोलराइज्ड है या सर्कुलर पोलराइज्ड है, तो मुझे देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर टाइम के साथ कैसे चेंज हो जा रहा है. ओके, तो मैं देखूंगा एक प्लेन. सपोज मैं एक प्लेन चूज़ कर लूँगा इससे. सपोज मैं प्लेन चूज़ कर लूँगा यहाँ पर. ओके, ये वाला प्लेन मैं चूज़ कर लूँगा. ओके, सो अगर इस प्लेन को मैं इस डायरेक्शन में देख लूँगा, सो मैं इस प्लेन को इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ. ओके, तो मुझे ऐसे दिखेगा कुछ. सो दिस विल बी माई प्लेन. ओके, एंड जो एक्सिस होंगे मेरे वो ऐसे होंगे. दिस विल बी माई वाई एक्सिस एंड दिस विल बी माई एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. और जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था ई एज अ फंक्शन ऑफ जेड एंड टी, दैट वॉज गिवन एज ई नॉट साइन ऑफ के जेड. Then it was I cap cos of omega t plus j cap cos of omega t minus pi by 2. Okay. अब मैंने जो z का value है वो तो मैंने पहले choose किया, that is the anti node. Okay. Z equals to, मैं लिख सकता हूँ z equals to pi by 2k. ओके, सो ये वाला पॉइंट पाई बाय 2k. सो दैट मीन्स जो वैल्यू होगा साइन का दैट विल बी 1. सो मुझे इस पार्ट का कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि वो मैंने फिक्स कर लिया. जेड इक्वल्स टू पाई बाय 2k अगर मैं ले लूँगा, सो साइन ऑफ के बदले k एंड मल्टीप्लाई बाय जेड के बदले पाई बाय 2k. सो k गेट्स कैंसल आउट, साइन ऑफ पाई बाई टू विल बी 1. ओके, सो मुझे पता है कि जो वेव का जो स्पेशल पार्ट है वहाँ से सिर्फ 1 आएगा. ओके, सो दिस रिप्रेजेंट जेड इक्वल्स टू पाई बाई 2 के प्लेन. ओके, मैंने ये फिक्स कर लिया बिकॉज आई एम ओनली इंटरेस्टिंग इन टू सी व्हाट इज द टेम्पोरल बिहेवियर ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर. तो एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो कॉस जीरो आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू. ओके, सो एट टी इक्वल टू जीरो कॉस ऑफ जीरो दैट विल बी 1 आई कैप. सो यहाँ से एंड यहाँ से ये वाले टर्म क्या देगा मुझे, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू. कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू इज जीरो. सो इसका मतलब एट टी इक्वल टू जीरो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर इस तरह का कुछ है. ओके, एंड मैग्नीट्यूड कितना है, ई नॉट, बिकॉज साइन ऑफ के जेड इज 1, सो इट्स सिंपली ई नॉट.
ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आफ्टर टी इक्वल्स टू पाई बाई टू. सो अगर मेरा टी इक्वल्स टू पाई बाई टू है, सो टी इक्वल्स टू पाई बाई टू, सो टी इक्वल्स टू पाई बाई टू अगर मैं दे दूंगा यहाँ पर इस वाले टर्म में, टी इक्वल्स टू पाई बाई टू, दैट विल बी कॉस ऑफ, मुझे देना है पाई बाई टू ओमेगा. ओके, सो आफ्टर दिस टाइम मैं देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा है. सो आफ्टर टी इक्वल्स टू पाई बाई टू ओमेगा, दिस टर्म विल बी ज़ीरो. ओके, बट दिस टर्म विल बी कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, दैट विल बी ज़ीरो. कॉस ज़ीरो विल बी वन. ओके, सो आफ्टर टी इक्वल्स टू पाई बाई टू ओमेगा मेरा आई कैप वेक्टर आई कैप मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो है एंड जे कैप मल्टीप्लाइड बाई वन. सो इसका मतलब है आफ्टर टी इक्वल्स टू पाई बाई टू ओमेगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ पर है. ओके, एंड मैग्नीट्यूड कितना है, सेम ई नॉट, ई नॉट. तो इसका मतलब है एज टाइम गोज ऑन ये इस तरह का कुछ रोटेट कर रहा है. सो इसका मतलब अगर टी इक्वल्स टू पाई बाई पाई बाई ओमेगा अगर हम देखेंगे तो वो यहाँ पर हमारा वेक्टर आ जाएगा. एंड देन टी इक्वल्स टू टू पाई बाई ओमेगा अगर हम देखेंगे तो वो वेक्टर हाँ थ्री पाई बाई टू ओमेगा अगर हम देखेंगे वो वेक्टर हमारा यहाँ पर आ जाएगा. एंड सिमिलरली टी इक्वल्स टू टू पाई बाई ओमेगा, टी इक्वल्स टू टू पाई बाई ओमेगा वो वाला वेक्टर फिर से यहाँ पर आ जाएगा. सो इसका मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा है हमारा वेक्टर, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है वो रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में. एंड इसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट रह रहा है. सो इसका मतलब है इट इज़ अ सर्कुलरली पोलराइज्ड स्टैंडिंग वेव. सो हमारा जो आंसर है वो ये वाला है. सो इट्स रिप्रेजेंट्स सर्कुलर पोलराइज्ड स्टैंडिंग वेव.